ऐसा नहीं कि बांग्लादेश के सरकारी बाबू पहली बार भारत आए हैं, पहले भी दूसरे राज्यों में जाकर वहां के अफसरों से काम की बारीकी सीखी है, लेकिन इस बार नंबर यमुनानगर का था तो अधिकारी यहां करीब 3 घंटे रुके और बेहतर काम के बारे में प्रशिक्षण लिया। डीसी राहुल हुड्डा का कहना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत टीम यहाँ पहुँची है। आज जो है हमारे पास बांग्लादेश के जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं वो 40 ऑफिसर्स हमारे पास आए हुए थे। ये भारत और बांग्लादेश के बीच में एक एग्रीमेंट है जिसके तहत वहाँ के ऑफिसर जो है यहाँ पर आके हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का अध्ययन करते हैं ताकि यहाँ से जो भी अच्छी चीज़ें हो रही है वो वहाँ पर जाके उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो उसके तहत यमुनानगर ज़िले को इस बार चुना गया था और इसी के तहत ये 40 ऑफिसर जो है यहाँ पर आए थे। उनको हमने विस्तृत तौर पे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के बारे में जो है में हमने अपनी एक प्रेजेंटेशन उनको दी जिसमें हमने उनको हमारे देश में जो विभिन्न तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हैं जिले के उसके बारे में अवगत कराया और ख़ास तौर से हरियाणा का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसके बारे में हमने अवगत कराया। साथ ही साथ जो हमारी जो रूरल डेवलपमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है और कौन कौन सी स्कीम्स हैं, जैसे स्वामित्व स्कीम है, नरेगा स्कीम है, ये सभी स्कीम्स के बारे में जो है उनको बताया गया कि कैसे इम्प्लीमेंट हो रही हैं। इसके अलावा हमारे जो अर्बन लोकल बॉडीज़ की गवर्नेंस है उसके बारे में भी जो हमारे कमिश्नर हैं उन्होंने अपनी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन उनको दी थी और साथ ही साथ पुलिस की ओर से हमारी जो एडिशनल SP हैं उन्होंने भी एक प्रेजेंटेशन दी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि पुलिस यहाँ पे क्या क्या कार्य करती है और उसका DMO ऑफिस के साथ किस तरीके से कोऑर्डिनेशन रहता है। इसके बाद ये सभी ऑफिसर ट्रेनी इस समय विजिट पे गए हुए हैं, उन्होंने यहाँ हमारी तहसील देखी और हमारा एक मॉडर्न जो लैंड रिकॉर्ड रूम है उसको भी देखा और अब एक गाँव की विजिट पे गए हुए हैं और बस एक आधे दिन की उनकी यहाँ पर विजिट थी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।